हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहां डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में आज हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक, एकदम नया टॉपिक। टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस की है, आप पढ़ चुके हैं। यहां आईटेक पर जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, वहां जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन जो है यहां शो हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आपने जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहां हमें किस टाइप से डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट, यहां जो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो आपको दी होगी dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy के फॉर्म में, और आपको यहां एक इनिशियल कंडीशन दी होगी y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, और आपको यहां क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को, इस टाइप की इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा तो न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से। तो स्टूडेंट, यहां हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें जो है यहां न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE में कितने मेथड डिस्कस करने हैं, फिर हम जो है बारी बारी से एक एक मेथड आपके साथ डिस्कस। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक ओवरव्यू न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें यहां फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे यहां कितने मेथड से हमें जो है ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहां स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां आपसे टेलर्स मेथड, के बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे पिकार्ड मेथड, और पिकार्ड मेथड के बाद डिस्कस करना है यूलर्स मेथड, देन यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, देन आरके मेथड, रंगाकुट्टा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आपसे मिल्ले प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा लास्ट एक होता है एडम्स बास्फोर्थ मॉल्टन मेथड। तो स्टूडेंट, ये एक ओवरव्यू था केवल इसलिए कि हमें कितने मेथड जो है आपसे डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ स्टार्टिंग से। आप समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे, एक एक मेथड को जो है एक एक लेक्चर से मैं यहाँ लेके चलेंगे, और आपको जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम और अनसॉल्व प्रॉब्लम आपके लिए हम लेके आएंगे, और आपको धीरे धीरे से सारे मेथड जो हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं पहला मेथड, जिसका नाम है टेलर्स मेथड। तो स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेलर सीरीज मेथड। हमारा पहला मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। तो पहला मेथड है टेलर सीरीज। तो आप सबको मालूम है यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होगी। हमने आपसे कहा था कि यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो आपको किस फॉर्म में दी होगी, dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तो यहाँ जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। तो स्टूडेंट जरा देखेंगे, लेट y इज इक्वल टू fx बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू fx क्या है, सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, और इक्वेशन हमें दी है dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वो आपको किस फॉर्म में दी होगी, इस फॉर्म में दी होगी। विद ये कंडीशन यहां जो है नेसेसरी है, बिल्कुल जरूरी है, y x0 = y0। तो यहां हमें ये देखना है कि यहां y के साथ जो वैल्यू दी होगी वो हमेशा x0 की वैल्यू होगी, और ये जो राइट साइड में जो वैल्यू दी होगी वो हमेशा किसकी वैल्यू होगी, y0 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये वैल्यू की हेल्प से ही आप आगे क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। एक्सपांडिंग इट बाय टेलर सीरीज अबाउट द पॉइंट x0 देन वी गेट। अब आपको प्रीवियस क्लास में आपने मैकलॉरिन और टेलर जो है डिस्कस की हुई है, तो वहां टेलर सीरीज की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस टेलर सीरीज की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे। और टेलर क्या होती है, एक एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं मैकलॉरिन और टेलर को। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपांड कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एंड सो ऑन। एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सब जानते हैं,
और यहां फंक्शन ऑफ एक्स नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वाई नॉट लिख सकते हैं। यहां देखिए ये एक्स नॉट के फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, वाई नॉट लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट लिख दिया, ये देखो सेम लिखा हुआ है, ये फंक्शन ऑफ एक्स नॉट है तो इसको वाई नॉट डैश लिख दिया, ये वाई नॉट डैश लिख दिया। तो इस सीरीज की हेल्प से आपको क्या करनी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो भी प्रॉब्लम आपको टेलर सीरीज की हेल्प से पूछी जाएगी वहां आपको क्या करना है, इस सीरीज की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज को प्रॉब्लम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करके हमने अपना सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम दी है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3e की पावर x, y नॉट इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0.2 बाय टेलर सीरीज। तो स्टूडेंट ये तो आप समझ लें कि x इक्वल टू 0.2 पे आपको फाइंड आउट करना है, टेलर सीरीज की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy / dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy दिया है वो आपको ये दिया है, ये आपको दिया स्टूडेंट, अभी हमने कहा था y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लें कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, यहां से अगर आप देखें तो आपको x नॉट की जो वैल्यू दी है वो 0 दी है, क्योंकि ये होता है y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, एंड y नॉट की वैल्यू जो आपको दी है वो क्या दी है, 0 दी है, और यहां जो आपको x इज इक्वल टू दिया है वो 0.2 दिया है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो दी है वो आपको क्या दी है, d by by dx इज इक्वल टू आपको दिया है 2y plus 3e की पावर x। क्लियर है? अब स्टूडेंट नीचे वो कह रहे हैं कंपेयर द न्यूमेरिकली सॉल्यूशन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वो ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे न्यूमेरिकली उसको आप कंपेयर करके देखेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के, मतलब हमने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व की है उस मेथड से हमें इसको क्या करना होगा, इस न्यूमेरिकली मेथड से कंपेयर करा के देखना होगा। तो ये बात की चीज है, पहले हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि इसको हमें टेलर सीरीज से किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां जो है आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को dy / dx का मतलब होता है हमारा y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू हमें दिया है 2y plus 3e की पावर x। तो y डैश अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें देखिए जरूरत किसकी पड़ती है, आप देखेंगे जब हमने टेलर सीरीज पढ़ी हुई है तो टेलर सीरीज आपने डिस्कस की है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नॉट, वहां आपको जरूरत पड़ती है y डैश 0 की, है ना। तो यहां y डैश आपको दिया हुआ है, अब y की जगह अगर आप y डैश 0 लिखते हैं तो y जीरो डैश इज इक्वल टू आप इसको लिखेंगे 2y 0 प्लस 3e की पावर x 0। क्लियर है? क्योंकि आप किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां इसकी आप वैल्यू पुट करें, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो y नॉट 0 y नॉट डैश या y 0 डैश इज इक्वल टू 2y 0, y 0 की वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म 0 हुआ, प्लस 3e की पावर x 0, x 0 की वैल्यू भी 0 है, तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब है कि यहां हम सॉल्व करेंगे तो y नॉट डैश हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब स्टूडेंट आप सेम जो है यहां देख लें, अब हमें डबल डैश निकालना है, तो y डबल डैश जो आप निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये 2y डैश होगा और प्लस 3e की पावर x होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो वो तो सेम रहते हैं, और एक ये y सिंगल था तो इसका एक बार और हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। तो जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करोगे तो y का क्या हो जाएगा, y डैश। अब हमें जरूरत है स्टूडेंट यहां y नॉट डबल डैश की, तो यहां हो जाएगा 2y नॉट डैश प्लस 3e की पावर x नॉट। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहां आप वैल्यू निकालने वाले हैं किसकी, y नॉट डबल डैश की, तो देखिए 2y 0 डैश, तो y 0 डैश की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं, तो यहां से 3 2 जा आपको क्या मिल रही है, 6 प्लस e की पावर x 0, तो x 0 की वैल्यू देखो 0 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे पावर 0 मतलब 1, तो ये होगा 6 प्लस 3, तो यहां से y नॉट डबल डैश इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट की 9। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम फिर से क्या करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं तो थर्ड टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2y डबल डैश प्लस 3e की पावर x, और स्टूडेंट यहां जब नॉट आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां भी नॉट हो जाएगा और स्टूडेंट यहां भी क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू जरा चेक करें, y नॉट डबल डैश और y नॉट डबल डैश 9 है,
तो यहां से आप y नॉट डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9 to 18। आप ऐसे समझ लें 2 इंटू इसकी वैल्यू हमने 9 रखी प्लस ये वैल्यू यहां से 3 आने वाली है। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है, ये वैल्यू आपको मिली है 21। क्लियर है? अब स्टूडेंट एक और देख लेते हैं। यहां हमने क्या किया, इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट किया, तो यहां 2y 3 टाइम्स हो जाएगा प्लस e की पावर x हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होगा। अब यहां जब नॉट यूज करेंगे और पावर 4 रहेगी तो यहां भी क्या होगा, नॉट हो जाएगा ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये थर्ड होगा प्लस e की पावर x ही होगा। आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए, आप y नॉट 4 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, ये 3 टाइम है ना, कितने टाइम है, 3 टाइम है, ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम। तो ये जो है 2 × 21 + 3, तो 21 × 2, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 42 और 3 45, तो y नॉट 4 की वैल्यू आपकी होगी कितनी, 45। और इसी तरीके से स्टूडेंट जब आप आगे निकालेंगे, एक और निकाल लेते हैं, तो यहां जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहां लिख दूं क्या, चलिए यहीं तक ठीक है ना, यहीं तक ठीक है, और निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहां निकाल लेते हैं, 5 टाइम्स हम निकाल रहे हैं तो सीधा 0 लिख देते हैं, तो 2 0 होगा 4 टाइम्स प्लस 3 e की पावर x होगा, और y नॉट 5 टाइम्स होगा, तो देखिए ये 4 तो 45 गुनी 90 तो ये हो गए, और प्लस 3 तो मतलब 93 वैल्यू आएगी। तो यार स्टूडेंट अब हम टेलर सीरीज की हेल्प ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ बाय टेलर्स सीरीज, और स्टूडेंट टेलर सीरीज आपने पढ़ रखी है, y इज इक्वल टू होता है y नॉट प्लस x माइनस x नॉट फैक्टोरियल 1, और यहां आप लिखेंगे y नॉट डैश प्लस, आगे बढ़ेंगे तो होगा x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 y नॉट डबल डैश। फिर आप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आप चलते चलेंगे तो x माइनस x नॉट पावर क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 y नॉट ट्रिपल डैश। फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 तो y नॉट पावर 4 हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये आपको कहां तक चलना है, ये पावर 4 होगी, आपने 5 टाइम्स तक निकाला है तो आपको सीरीज भी कहां तक लेके चलनी है, 5 टाइम्स तक। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू देखिए 0 है, हमने यहां 0 पुट कर दी, प्लस x, x की वैल्यू आपको क्या दी है यहां 0.2 दी है, या आप सीधा सीधा लिखें अभी x माइनस, ये तो आपको मालूम है ना कि ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 है, ये x माइनस x नॉट की वैल्यू देखो 0 है और फैक्टोरियल 1 इज 1 होगा, y नॉट डैश की वैल्यू आपकी यहां 3 होगी तो आपने 3 लिखा, प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर होगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, और y नॉट डबल डैश की वैल्यू यहां आपकी 9 होगी, प्लस x माइनस 0 का क्यूब होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपकी 6 होगी, और y नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू यहां 21 होगी, प्लस x माइनस x नॉट 0 होगा पावर 4 होगी डिवाइडेड बाय 4 3 जा 24, ये 24 आएगा है ना, 4 3 12 2 24। क्लियर है? और ये 4 टाइम्स आप लिखोगे तो यहां 45 आएगा, प्लस स्टूडेंट x माइनस 0 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब ये आप लोग को फैक्टोरियल 5 लिखना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 चौक 20 30 60 दूनी 120, तो ये हो जाएगा आपका 120, और ये 4 टाइम्स जब आप 5 टाइम्स आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93 प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये तो आप समझ गए होंगे, ये लिखा हुआ है 3x, ये लिखा हुआ है 9/2x², ये लिखा हुआ है 21/6x³, है ना, क्योंकि x माइनस 0 मींस x का क्यूब, है ना, तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट हमसे पूछा गया है एट x इज इक्वल टू 0.2 पर, तो हम लिखेंगे नाउ एट x इज इक्वल टू 0.2, तो यहां फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया है, तो आप किस पे निकाल देंगे, आप निकाल देंगे x इज इक्वल टू 0.2 पर,
तो जहां जहां आपको x दिया है वहां वहां आपको वैल्यू रखनी है 0.2 की। तो आप लिखेंगे 3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू 9/2 प्लस आप लिखेंगे x क्यूब की जगह आप लिखेंगे 0.2 का क्यूब इंटू 21/6 प्लस 0.2 की पावर 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 24 और स्टूडेंट यहां आपका हो जाएगा 0.2 की पावर 5 इंटू 93/120 प्लस एंड सो ऑन। मैं तो एक बार चेक कर लूं कि ये वैल्यूज जो है आपको विजिबल है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट ये वैल्यू आपको जो है विजिबल है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे यहां कैलसी निकालेंगे और कैलसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपके पास कैलसी है आप कैलसी निकालिए और फटाफट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब स्टूडेंट आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो y 0.2 जो आपने निकाला है f ऑफ 0.2 ये आप आफ्टर सॉल्यूशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 0.8125 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आपने टेलर सीरीज की हेल्प से आपने क्या किया पहले वैल्यू फाइंड आउट की। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद टेलर सीरीज में जो है सारी वैल्यूज पुट कर दी एंड गेट द आंसर। तो बहुत ही सिंपल है केवल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको क्या करना है केवल फॉर्मूले याद रखना है सीरीज याद रखनी है और आपने वैल्यूज फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करके आपको अपनी प्रॉब्लम यहां सॉल्व कर लेनी है। अब स्टूडेंट यहां एक सेकंड पार्ट दिया था कंपेयर द न्यूमेरिकली सॉल्यूशन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से हमें कंपेयर करना है तो हम कंपेयर किस तरीके से करेंगे वो हम आपको यहां करके दिखा देते हैं। इक्वेशन जो है आपको किस फॉर्म में दी है देखिए आपको दी है डी बाय डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3e की पावर x। इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं है ना किस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 3e की पावर x ये 2y मतलब ये फॉर्म जो हमारा लिखा है ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो हम इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो यहां p की वैल्यू होगी माइनस 2 और q की वैल्यू होगी 3e की पावर x। और ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर sin ऑफ द इंटीग्रेशन p dx और यहां जो है p की वैल्यू है माइनस 2 इंटू dx तो आप स्टूडेंट माइनस का 2x तो e की पावर माइनस 2x आपका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो यहां जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sin ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और साइज प्लस एक कांस्टेंट क्या होता है आपका c होता है। तो आप देखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 2x दिया है sin ऑफ द इंटीग्रेशन q की वैल्यू आपको दी है 3e की पावर x और यहां फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला तो e की पावर माइनस 2x हुआ इंटू dx हुआ तो y e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 हमने बाहर लिया बेस इक्वल है तो पावर एड होंगी तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x तो ये बचेगी e की पावर माइनस x इंटू dx। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है हमें इंटीग्रेट करना है तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा y e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 और e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस 1 तो यहां से स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो y और ये आपका हो जाएगा यहां आप देखेंगे आप यहां देखेंगे y इज इक्वल टू ये प्लस एक कांस्टेंट यहां c लिखना था बनकर है ना तुमने यहां लिखा प्लस एक कांस्टेंट c और ये कांस्टेंट c प्लस कांस्टेंट c और प्लस कांस्टेंट c तो यहां से स्टूडेंट आप देखेंगे y इज इक्वल टू इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 e की पावर माइनस x और e की पावर 2x और प्लस c e की पावर 2x तो y इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर x हो जाएगा और प्लस c e की पावर 2x हो जाएगा। और यहां स्टूडेंट आपको मालूम है एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू 0 है कब जब आपको x इक्वल टू क्या दिया हो 0 दिया हो तो आप 0 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस 3 e की पावर 0 प्लस c e की पावर और इसको आप क्या लिखेंगे 0 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप देख रहे हैं e की पावर 0 वैल्यू 1 होगी
तो यहां से c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3, और c की वैल्यू जो 3 होगी तो आप क्या करेंगे, c की वैल्यू जो है आप पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिला था, y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, और इस वैल्यू में आप c की वैल्यू जो है क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब आप c की वैल्यू यहां पुट करेंगे स्टूडेंट, तो आप यहां ध्यान से देखें, यहां y इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर, अब दिया है आपको e की पावर x, और e की पावर x, और x किस पे निकालना है आपको, 0.2 पर, तो 0.2 प्लस c आपने निकाला 3, तो 3 e की पावर 2 इंटू 0.2, और स्टूडेंट इसको आप जब सॉल्व करेंगे कैलसी की हेल्प से, तो आपको यहां वही सॉल्यूशन मिलने वाला है जो सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकली मिला था। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कंपेयर किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। आपको ये देखना होगा कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी है वो किस फॉर्म में बन रही है, बस उस फॉर्मेट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, प्रीवियस क्लास में जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कंपेयर करके आया हुआ था, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि अगर बाई चांस इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाए। तो आई थिंक स्टूडेंट यहाँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम यहाँ जो है कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम आपको देते हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। प्रॉब्लम्स दी हैं आपकी स्क्रीन पर, प्रॉब्लम 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों की चार प्रॉब्लम जो है बेस्ड है आपकी टेलर सीरीज मेथड पर। तो अभी आपने टेलर सीरीज मेथड देखा कि किस तरीके से हमें टेलर सीरीज की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उसी तरीके से आपको ये चार प्रॉब्लम्स बनानी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो आप देखिए, पहला वाला तो सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने आपको बताया था। ये सेकंड वाली प्रॉब्लम में आप देखेंगे न्यूमेरिकली आपको 2x = 1.2 विद h = 0.1। अब यहाँ h इज इक्वल टू कैसे पूछ लिया, क्योंकि आपने सीरीज कुछ अलग पढ़ी है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में जब आपने टेलर सीरीज पढ़ी है तो टेलर सीरीज के कुछ फॉर्म आपने पढ़े हुए हैं, एक h का फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है, एक a का फॉर्म आपने कॉन्स्टेंट का फॉर्म पढ़ा हुआ है, एक x - x0 का फॉर्म पढ़ा हुआ है। तो अभी हमने आपको x - x0 का फॉर्म बताया है, अब आप उसका जब h के फॉर्म में सीरीज को एक्सपांड करोगे तब आप इस वाली प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो आपको जो है वहां एक्सपांशन जितने भी होते हैं आपको टेलर सीरीज के वो पता होना चाहिए। सेम आप ये बना लोगे बिल्कुल वैसे ही है, और ये भी बना लोगे। ये स्टूडेंट हमने देखिए यहाँ आंसर भी इसके मेंशन किए हुए हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।